अभी जी टाइम हो रहा सुबह का, अनान जा रहा है स्कूल, अनान के स्कूल शूज से तंग हो गया, दूसरे पहन के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो अभी मैं ये सफ़ायर के वेयर हाउस में आया हूँ सफ़ायर का स्टॉक उठाने, तो मैंने कहा आपको सफ़ायर का वेयर हाउस भी दिखा दें, रायगढ़ रोड पे है मंडा मंडी के पास, ठीक है। तो अभी सफ़ायर का स्टॉक उठाते हैं, अनस्टिच स्टॉक है और सारी सिंगल शर्ट हैं, प्रिंटेड में, एम्ब्रॉयडरी में, सारी बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है। मैं इसकी आपको डिज़ाइन भी दिखाऊँगा जब हमारे वेयर हाउस में पहुँचे। जी स्टॉक जो है हमारा ये पड़ा हुआ है शापरों में, ये 400 पीस है हमारे, जो बाकी थे वो बाहर से ही बॉस ने कर लिया था, उसका सौदा वगैरह तय हो गया था किसी पार्टी के साथ, तो 1500 पीस हमने डायरेक्ट उन्हीं को ही भेज दी है फैसलाबाद। तो बाकी तो मैं अभी रिक्शे पे जा रहा हूँ, बाइक मैंने की हुई है रिक्शे पे, तो मैंने कहा बाइक पे लोड करते हैं रिक्शे पे और आराम से बैठ के चलते हैं ऑफिस, क्योंकि फिर मेरा भी पेट्रोल ज़ाया होगा और इसे भी पैसे देने हैं, इसने खाली जाना है, तो मैंने कहा चलो इस पे ही सफ़र करते हैं आज। भाजी ध्यान ना, आराम ना चलाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब जी? हनान चला गया स्कूल, वसीम आपने देखा अपना काम कर रहे हैं सफ़ायर के कपड़े लेने, वसीम कर रहा कि सफ़ायर का जो ब्रांड है उसके कपड़े इतने महंगे हैं ना कि मैंने उनका जो एक कुर्ता है ना वही 6-7 हज़ार रुपये का, मैं वसीम से बोलती हूँ, मैं कहती इतने महंगे कपड़े हैं कि बंदा आपकी शॉप से कपड़े ले ही नहीं सकता। कभी मुझे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा ना कोई ड्रेस पसंद आ इतना महंगा दिल करता लेने को, मैं कहती वसीम मैं जरा सफ़ायर का मालक है ना, एक बार इन मेरे मत्थे ला दो ज़रा तुम ना, ये देख रहे वो कपड़े हैं प्यारे पर जितने उन्होंने प्राइस लिखे होते ना उतने होते नहीं हैं, जो उनका 3 पीस है ना वो 10 हज़ार रुपये का 11 हज़ार रुपये का, पर देखा जाए तो वो जैसी उसकी बनावट है ना वो इतना महंगा होता नहीं, बहुत मुझे गुस्सा चढ़ता जब भी मेरी वसीम से लड़ाई ना, मैं ये कहती हूँ सफ़ायर वाला ना अपना मालक मेरे मिलवा दो तुम एक दफ़ा, इतने महंगे कपड़े क्या जैसा बस दे के खुश हो सकता, ले ही नहीं सकता, उनका कुर्ता बताए इतने इतने महंगे कुर्ते हैं। तो अभी हमारी बारिश का मौसम हो रहा था, मैं कपड़े सारे उतार लाई हूँ जो सूख गए हैं, बाकी जो छत पर पड़े वो नहीं मैं उतार दिया, मैं उनका देख पाती जाऊँगी किले होने हैं, इतनी खास ऊपर हवा लगी नहीं उन्हें, विंडो में से लग रही थी तो मैंने उनको एक बार उतार भी लाऊंगी, तो घर सारा मैंने क्लीन कर लिया। अच्छा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये मारिया बिलाल घर गई हैं, आप अपना डबल बेड ले लेती, डबल बेड हमारा बिल्कुल ओके ना, जो मैं जहाँ पेटी रखी ना पेटी के पीछे हमारा डबल बेड पड़ा, उसके जो फट्टे हमारे ये जो गैलरीज में पड़े हुए हैं वो जो बेड का यू नहीं होता जिसमें वो दरमियान वाला फट्टा लगता वो टूट गया हुआ, मैंने वसीम से इतनी बार कि मैंने कहा हम जो यू है ना उसको न्यू लगवा देना तो बेड लगा लेते, कहते नहीं अब हम सर्दियों में बेड उतारेंगे, आपके सामने गर्मियाँ जब बारिश वगैरह हो जाए हम यहीं पे चार पहियाँ बिछाते हैं फिर डबल बेड होगा तो चार पहियाँ नहीं बिछनी और डबल बेड पे सोया नहीं जाना, आपको पता है मैट्रेस कितना गर्माइश का होता है, और पहली बात ये हमारे पास मैट्रेस तो है ही नहीं, मैट्रेस हमने जब बेड खोला था हमने कहा था अब हम नया लेंगे तो हमने किसी को दे दिया था, और मांगते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता, तो इंशाल्लाह जब हम बेड लगाएंगे ना तो फिर हम लोग अपने मैट्रेस का कोई अरेंज कर लेंगे। हनान मेरा जब स्कूल से आ गया परसों, जब हनान स्कूल गया मैंने अलमारी में से उसे साफ यूनिफॉर्म निकाल दिया, फिर कल मैंने मशीन लगाई मैंने दोबारा ये यूनिफॉर्म धोया था, ये यूनिफॉर्म देखे मैं कहा मुझे लगता है आप बैठ के नहीं आप ना लेट के पढ़ते हो, कहता नहीं मामा मैं तो बैठ के पढ़ता हूँ, मैं कहा यूनिफॉर्म क्यों इतना गंदा होता पीछे से हैं जैसे लेट के पढ़ते हो, तो अल्लाह माफ़ करे, इसको फेंकती हूँ दोबारा धोने के लिए, पैंट भी कल मैंने धोई थी पर वो तो गुजारा हो जाएगा, शर्ट बहुत गंदी हो गई है, तो कह रहे मामा नहाने गया, कह रहे मामा मुझे पैसे दे मैं बाकर खानी लेके आता हूँ, चाय और बाकर खानी हमने खानी, मैंने कहा चलो तो हनान को पैसे देते हैं वहाँ से जहाँ हमारे लोग रहते ना भैया कोई रास मिलता ना बाकर खानी ना डबा रोटी हो, वर्दा को लूज मोशन आ रही थी, आपको पता है जब लूज मोशन हो तो खाली पेट रस दें तो भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, मैंने हनान से कहा जाओ रस ले हो, कहते हैं अंकल कहते हैं यहाँ से नहीं ऐसी चीज़ें मिलती, नीचे बाजार जाना पड़ेगा या दूर किसी स्टोर पर जाओ, तो मैंने कहा लो ये क्या बात हुई कि माने अपना घर अपना ही, तब जहाँ मर्जी रहें ये जो एरिया है ना ये वाले सिर्फ कुछ दिन के लिए आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम ना वहाँ पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमें आदत है हर चीज़ की सहूलत की, तो वहाँ पे मैं कहती हिम्मत है न मारिया के घर ना उधर 2 बार कसम से गिरी हो, जब एक बार बर्तन धो के ला रही थी ना तो मेरा पाँव स्लिप हुआ और जिस दिन हमें पठानी लेके गई ना वो पहाड़ों पर उस दिन भी मैं वहाँ पर गिरी, एक हाथ पे बर्तन उठाया हुआ बाजू में दूसरा हाथ उसी से आपको पकड़ा हुआ, मेरे बच्चे आपको पता किसी के पास जाते ही नहीं है, उसके बच्चे इतने चुन की गोदियों में चढ़े हुए थे, तो मैं उधर भी गिरी और सारी रात मुझे नींद नहीं आई जरा से, इतनी टांग में दर्द हो रही, मेरा पाँव सुबह मुड़ गया जब बर्तन धो के ला रही हो ना पूछे कैसे, मैं कहती हिम्मत है जो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं
मैं तो घर रह के भी उनकी तारीफें, जिन्हें बताओ उनकी तारीफें करी हूँ, मुझे इतनी याद आती है। नूरजा हो ना उसका नाम, नूरजा तो इतनी अच्छी मेरी दोस्त बन गई थी, बड़ी अच्छी थी ना। मैं कहा नूरजा याद करती होगी, जाते हुए मुझे मिल के भी नहीं गई। पर जाते हो ना, मैं मारिया के जो है ना जिनका घर था, जिनके घर में मारिया लोग, बस वो बाजी से मिलने गई थी, उसने ना फिर मुझे दातन दिया था, कहती लो तुम मोना आज घर जा रहे हो आप लोग, तो मैं तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, ना अखरोट ऐसे कोई सगा नहीं, तो कहती तुम ये दातन ले जाओ। मैंने कहा ये दातन है खुशबू, ऐसे ऐसे दातन की कोई भी नहीं आ रही। कहती नहीं ये दातन है कि मैंने ना उसको दरख्त के साथ ही तोड़ा हुआ था, तुम जाके करना, मैंने तो कभी किया ही नहीं है ना मैं करती। मैंने कहा तो चले गिफ्ट तो गिफ्ट होता ना, इसको रख लेते हैं यादगिरी के तौर पे। तो नूरजहाँ से मैं मिलने नहीं गई, मैं कहा नूरजहाँ याद करती होगी शमैला, मुझे मिलने नहीं आई। कहती जाने से पहले ना तूने मुझे मिल के जाना। मैंने कहा चले ठीक है, इतनी अच्छी दोस्त बन गई मारिए घर गए ना, तो सर में खारिश हो। मैंने कहा कहती क्या मेरे को खारिश हो रही है। कहती यार आ तो जा सर देखो, सर देखो। कहती ना कुछ की है कुछ की है, ऐसे करके बोली, इतनी प्यारी लगती थी। तो मैं जब भी याद करती मैं कहती नूरजहाँ याद करती रहती थी, शमैला मुझे मिलके नहीं गई। बहुत अच्छे वहाँ के लोग थे, पर हम जिनके घर गए ना हमें कभी किसी ने चाय नहीं पिलाई। हम जब भी जाना मैं हमारे चेहरे थे, आज देना इन्होंने चाय पी के आई, कैमरे पीनी चाय का पूछते थे, जब उठ के घर आने लगे ना बैठ जाते हैं चाय पी के जाता। हम लोगों ने करा के इतना मजाक उठाना, मैंने कहा जब हम लोग आने लगते तब हमें कहती है चाय पी के जाना, जब बैठे रहते तब पूछते नहीं है। मैं सीम से भी कहा हम भाई गिलास से भी बात करें, कहते दरअसल वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, कारोबार वहाँ पे लोगों के है नहीं, वाकई कितने बात है, सच्ची बात है। वो वहीं पे जो उनके वो सब्जियाँ वही सेल करके तो वो अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने कहा नहीं वैसे दिल था कि इनके घर की चाय पीते, ये लोग कैसी चाय बनाते, उनका कहवा बहुत मशहूर है। हम लोग कहते कहते कावा पिला, मैंने कहीं हमने कभी पिया नहीं। मैंने कहा नहीं रहते, बहुत शुक्रिया, चले जिला पाक बहुत ज़्यादा थे। ये तो जब हंसी मजाक था जो हम लोग करते थे कि हमें चाय नहीं पूछते ये वो। तो जी अभी क्या करना, मैंने हाँ सर शनान को पैसे देने हैं, आपके आपसे बातों के चक्करों में ना शनान को पैसे देते, निकाल के वो बाकर खानी ले गया था, उतनी देर बजे से चाय बनाती हूँ। बेबी क्या कर रही है, वो गद्दियाँ तूने कराई हैं ना नीचे, आप हनान बाकर खानी ले आया था चाय डाल के, बाकर खानी दे दी है ने। ये वर्दा की मेरी कट्ठी है, मैं इसमें से डाल डाल के वर्दा का दूंगी, फिर वर्दा खाएगी ठीक है बेबी। ये क्या होता है, ये क्या है, चलो खाओ मेरे बड़े बड़े ट्यूशन का टाइम हो जाना। अभी टाइम हो रहा है बच्चों को ट्यूशन जाने का, मैंने कहा ट्यूशन छोड़ के आती साथ ही भाभी से बैग लेके आती, काफ़ी बड़ा था इसमें हमारे काफ़ी कपड़े आ गए, शुक्रिया उनका। तो मैंने कहा शुक्रिया भी अदा करके आती हूँ, उनका बैग भी दे के आती हूँ, फिर आते वक्त ना फिर खाने के लिए सब्जी भी ले आऊँगी, आज उसी में भी गया। हरान भाई ना कहा हाथ पकड़ लो, जाओ बेबी, बेबी ने अपना बेबी पकड़ा, मैंने बैग पकड़ा, मुझे अपने अपना बैग पकड़ा, चलो जी पकड़ लो आंटी बाइक का, बेबी तो ऊपर करो गंदा हो रहा है। कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है, जिसकी काला सिलाई करके ला, इसमें से मैंने फर्स्ट ड्रेस पहनाई। बेबी इधर तो देखो, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, आए हाय आए हाय, कितना सोना सोना लग रहा है। आ जाओ, क्या है ये, वे बिरयानी मछाला, आ जाओ दो आमना किचन में रख ले। आमना आपने ड्रेस नहीं चेक किया मेरी बेटी का, कितना प्यारा लग रहा है तो। नीना खाना सिलाई करके तो लाई थी ना कपड़े, उसमें से पहला ड्रेस पहना है हमने आज, चलो दे दो आमना को, चलो जाओ अपना बेबी लेके आओ घर चले, अभी जाते हो यहाँ से सब्जी लेते फिर हम लोग घर चले। आ जाओ आ जाओ, जूती लेके आओ, जूती बनाओ, आज पापा ने भी आना है, पापा कह रहे थे आज मैं घर आ जाऊंगा, है ना। ये बेबी किसका है, मेरा किसका है। अभी जो हम लोग निकलते हैं बैग वगैरह दे दिए भाभी को, तो जाते हुए सब्जी लेते हैं फिर घर चलते हैं। जे लो पकड़ो बेबी आप अंदर फेंक, चलो नीचे उतरो, चलो घर हम लोग घर चलते, सॉरी शॉप पे चलते हैं सब्जी लेते हैं कुछ, आ जाओ ना। ओ कितनी गंदी लग रही लोली है, प्यारी चीज़ ले, मैंने कभी सब्जी लेनी फिर चीज़ भी ले दूंगी, चलाओ आओ। अच्छा बात, चुप कर दे, चुप चुप चुप, बड़ा अच्छा बच्चा मेरा, देखा चुप कर गया, चलो मैं अपने बेटे को चीज़ भी ले कर दूँगी सब्जी भी लेंगे ठीक है, चुप कर गई ना अब। हाँ साइकिल टूटी हुई किसी की, आ जाओ मुझे कह रही साइकिल पर, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ टूटी हुई है वो, टूटी हुई है पूरी गली का माइंदा कर, मैं हाँ टूटी हुई है, आ जाओ चुप कर गया ना मेरा बेटा है ना। चलो जी अब कपड़ा नजर आ गया, तेरा हर तरफ ध्यान है, चल बस आ जा। ना छेड़ो प्याज को, हाँ जी बड़ा हुआ प्याज, बस वो भिंडिया है वो, आपने प्याज रुका लिया बस भिंडिया है। वाह अभी हम आ गए घर, बेबी ने लिए लंबे वाले पापड़ और साथ हम लाए हैं भिंडियाँ, उठाओ भिंडियाँ
और बेबी ने अंकल से चुंगा मुंगा लिया प्याज, इसका क्या करना है। चलो सब्जी तो अंदर चले, ताला खोल के। ओए ला जी, बाबा आ गया भाई, बाबा आ गया। मम्मी ना, मम्मी ना, चलो खा लो। वरदा जी अभी बारी मेरी सो गई, की माने मुझे खुद इतनी नींद आ रही है, इतनी सुबह आँख खुल जाती है दोबारा नींद नहीं आती, इतना दिल करता कुछ देर ही सो जाओ। वरदा और उजाफा नहीं मुझे सोने देते, बहुत तंग करता है उजाफा। रात को भी मैं इतनी लेट सोई, मैं भिंडियाँ लेके आई हूँ, अगर मैंने कहा भिंडियाँ कटिंग करते हैं फिर भिंडियाँ बनाते हैं, इतनी रात को मुझे नींद आ रही। कम से आप ही आप अपनी वीडियो के थंबनेल अच्छे करें, फिर 11 से 12 वीडियो थी जिनकी टोटली मैंने थंबनेल चेंज किए, फिर पिक्चर जो हमारे भाई बिलाल कर गए थे कुछ उनके इंस्टाग्राम से लेकर स्क्रीनशॉट, कुछ अपने से पिक्चर ऐड की, कुछ गैलरी में थी उनकी पिक्चर पुरानी, ये वो सारी कटिंग करके थंबनेल लगा के फिर मैं जाके भाई ना सोने लगी थी। तो अभी जी भिंडी बनाते हैं, कुछ बात करने लगी थी, पता नहीं क्या कहना था, मेरे जहन से ही निकल गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी जी भिंडियाँ बनाते हैं, शाम को खाने की तैयारी करती हैं। हाँ सच ये बात करने लगी थी कि कल थी मेरी शहजादी की बर्थडे, जो कि ना मैंने स्टेटस लगाया कुछ भी नहीं, दादी की हालत इतनी सीरियस ही ना मैं आपको बता नहीं सकती, तो ना मुझे अच्छा ही नहीं लगा स्टेटस लगाना। मुझे कायनान ने भी मैसेज किया कि भाभी है तो 27 है वरदा की बर्थडे थी, मैंने कहा दादी की कंडीशन ना बहुत सीरियस है, तो मैंने कहा फिर देखे पुप्पो कहेंगे कि मेरी अम्मी आखिरी टाइम पे है तो इनको अपनी पड़ी है वो, तो मैंने कहा कायनान मुझे अच्छा नहीं लगा, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे दादी कुछ बेहतर हो जाए। फिर डॉक्टर ने तो बिल्कुल जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं इनकी आखिरी सांस चल रही है, देखिए अब कब तक चलते, पर हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला अगर उनकी ज़िंदगी है, चाहे दादा ने दूसरी शादी की थी पर हमारे रिश्ते में तो हमारी दादी, आपके सामने कभी भी मेरी वीडियो में नहीं आई ना कभी हमारे घर आई है, पर है तो हमारी दादी ही ना, तो हम मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उतनी देर तक वसीम को सैलरी मिल जाएगी, फिर हम हनान और वरदा की बर्थडे इकट्ठी सेलिब्रेट कर देंगे। तो इसलिए फिर हमने हनान की भी निक्की मारी है कि घर ही हम लोग जब थे तभी 23 को हनान की होती है, 27 को वरदा की। हमने शुरू से ही कहा था जब से खाला घर भी लास्ट टाइम गए थे 14 अगस्त को, हमने ये कहा था कि इकट्ठी बर्थडे करेंगे, खाला के घर ही करेंगे, केक ले जाएंगे, जो मैंने वरदा को गिफ्ट देने हैं मैं वो भी ले लूँगी, जो वसीम ने देने हैं वो भी ले लेंगे और हनान के भी हम लोग ले लेंगे। तो इंशाल्लाह जी दादी ठीक हो जाए, फिर उतनी देर वसीम को सैलरी मिल जाए तो हम लाजमी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फिलहाल जी अपनी सब्जी कटिंग करते हैं और भिंडी बनाते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।